बापूधाम किन्नर जय माता मंदिर में वार्षिक महोत्सव रथ यात्रा व रैली पूजन माता की चौकी से संपन्न हुआ। डेरी के प्रमुख कमली माता जी ने बताया कि इस उत्सव का उद्देश्य है कि भक्त जनों का परिवार फले फूले और सुख शांति बनी रहे। इस उत्सव को बड़े हर्षोल्लास व प्रेम भाव से संपन्न किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी किन्नर समाज के द्वारा सेक्टर 26 के बापूधाम स्थित किन्नर जय माता मंदिर में वार्षिक उत्सव पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस उत्सव को 11 दिनों तक नगर के लोग और बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं ने मिलकर मनाया। किन्नर समाज इस उत्सव को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं और यहाँ के स्थानीय भाई दिलीप, उनके परिवार के सदस्यगण सभी इसमें शामिल हुए। भाई कृष्ण चड्डा साथीगण सहित रथ यात्रा में भी शामिल हुए। आए हुए सभी स्थितियों का डेरामुखी कमली माता जी ने धन्यवाद किया। दिलीप, देखिए ऐसा है कि पहले तो मैं नहीं आता था। पिछली बार जब हम काउंसलर बने, सबसे पहले जब काउंसलर बने तो उस वक्त मैं मत्था टेकने भी नहीं आया था। बहुत से लोगों ने कहा था कि किन्नर मंदिर में आशीर्वाद लेना, लेकिन मैं नहीं आ रहा। हाँ, जब से हमारी बहन जी कामनी जी, मेरी घरवाली का नाम भी कामनी है और बहन का नाम भी कामनी है, तो जब से ये बनी तब से मैं यहाँ पर आता हूँ, लगातार आता हूँ। और जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो हमारी राजनीतिक तौर पर कोई चर्चा नहीं होती, सिर्फ भाजपा चर्चा होती है, जो हम चर्चा करके उसके बाद चले जाते हैं। आत्मा किस, देखिए ऐसा है कि जहाँ दिल लगता है वहाँ आत्मा की संतुष्टि मिलती है, और जहाँ दिल नहीं लगता वहाँ आत्मा की संतुष्टि तो क्या मिलेगी। तो यहाँ पर अगर अच्छा लगता है कि भाई चलो बहन जी से अच्छा हमारा प्यार है, इसलिए आते जाते रहते हैं। तभी हम आते हैं। अगर ये भी राजनीति करें तो हम आना छोड़ देंगे, लेकिन ये लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। जिस तरह हम लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, आपको पता है, उसी तरह हम बहन जी भी लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। और जो लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है, नेचुरली उसके लिए तो चलना चाहिए। एक कदम कोई चलता है तो 10 कदम चलने चाहिए साथ साथ। आप थे कामनी माँ ने यहाँ पर अनाथ बच्चे, मैंने कहा ना कि अच्छे कार्य कर रहे हैं तभी यहाँ पर आने को दिल करता है। जिस दिन कार्य अच्छे होने बंद हो जाएंगे, आने बंद हो जाएंगे। नहीं, आपने पहले कि अच्छे कार्य के लिए तो राज पड़ेगा। मैंने यही कहा कि अच्छे कार्य कर रहे हैं। इस मंदिर में पहले पाठ पूजा नहीं होती थी, मैं आपको बता दूं, मंदिर बहुत प्राचीन है, पहले इतनी पाठ पूजा नहीं होया करती थी, अब लगातार होती है। तो नेचुरली है कि जहाँ पर अच्छे कार्य, हर साल ये दिनों में मनाई जाती है, सावन का टाइम है। इस बार बहुत अच्छा है, हरियाली तीज से ये पूजा शुरू हुई। पहले दिन झंडा पूजन का टाइम है, इसका बीज डालते हैं। आज 11 दिन का अलग अलग, इसी हर भगवान का हर एक दिन पूजा है। कलश यात्रा, रथ यात्रा, पूजन, अग्नि कलश यात्रा, ये सब होने के बाद आज यहाँ पे रथ यात्रा निकली। रथ यात्रा के बाद जो मंदिर पोस्ट है, हरियाली पूजन हुई। हर रोज माँ माई के सेवा में लगी हुई है, सबकी सारे जनता के लिए दुआ मांगती है। बच्चे वाले का बच्चा जीवे, बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं, बच्चों का कामयाब के लिए दुआ मांगते, बड़ों का संतुष्ट और तंदुरुस्ती के लिए दुआ मांगते हैं। मामाई के ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है, मन को बांधना है, मन को काबू करके मामाई के चरणों में चढ़ाने से हम काम करते हैं। इस दिन खान ये 11 दिन में तो हमारा खाने के लिए टाइम नहीं रहता है। खाने के लिए नहीं, मामाई का भोग लगाए, वो प्रसाद थोड़े से ले लेते हैं, हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं, जो मामा का जो भोग जो प्रसाद अच्छा जो वो कराने वाले तो भाई लोग बैठे हैं। और हमारा बापूधाम कॉलोनी, ये मेरे लिए दुनिया है। यहाँ पे जितने भी मंदिर गुरुद्वारा सब बना हुआ, हर रास्ते में हर द्वार पे माता रुके जाएंगी। यहाँ बापूधाम कॉलोनी हर धर्म का स्थान बना हुआ,
वो दरवाजा पे निकल के जाते। हम सोचते हैं जो पूरा प्रमाण का गुम के आए वो मन में मानते। हम कॉलोनी में एक ही गली में मंदिर गुरुद्वारा हर जगह में निकल के जाते। जो रथ यात्रा वापस लौटी आने के टाइम जो मंदिर की बात हरियाली पूजन वो के बाहर आरती करके माँ माई को अंदर ले आके झूले में बिठाएंगे। माता का झूले में झुलाएंगे विशेष आरती। अच्छा ये दिया हम माँ माई से मांगने के लिए जरूरत नहीं है, माँ माई पूरा संपूर्ण करेंगे। जिस दिन हमने झंडा पूजन करके केड़ा पूजन किया है हमारा देश का बहुत अच्छा न्यूज़ दुनिया में देखे हैं। चंद्रदान जिस दिन झंडा पूजन होके अगले दिन केड़ा पूजन किया है उस दिन हमारे देश के लिए खुशी खबर मिल गई, हमारे देश का नाम इतनी ऊंचाई हो गई। ये सब आज अपडेट्स वो बड़ी खबरों के